मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू को बड़ा झटका लगा है। वी मे बी स्मॉल बट दैट डजंट गिव यू द लाइसेंस टू बुली अस। मालदीव्स हमारा पाला हुआ एक पपेट टाइप से था। मोइजू की अपने ही देश में जमकर किरकिरी हो गई है। हमारे पास मेडिसिन नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। हमारे पास डिफेंस स्ट्रांग नहीं है, ठीक है दे देते हैं भाई। मैं समझता हूँ कि ये मालदीव्स की गवर्नमेंट बहुत बड़ी गलती करेगी। राजधानी माले में जो मेयर का चुनाव हुआ उसमें मोइजू की पार्टी पीपल्स नेशनल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना चीमा साहब, मैं थोड़ा सा मैं रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करूंगा। आप 76 साल से इंडिया के खिलाफ, 76 साल में 4 जंगें लड़ ली, क्या बिगाड़ लिया आपने? आपके नेबरहुड में इंडिया बैठा हुआ है, आप इंडिया से सीख लें। लेकिन मालदीव्स के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट कर लें उनका जो पैटर्न है कि डेमोक्रेसी उन्होंने इतने अरसे में कैसे चलाई है। मालदीव्स इतना छोटा मुल्क है, इंडिया उसको पनिश कर सकता है इन सो मेनी वेज के शायद मालदीव समझ भी न सके कि उनके साथ हो क्या रहा है। भारत ने इतिहास गवाया है कि भारत ने मालदीव्स को बहुत हेल्प किया है। कि जब किसी दूसरे मुल्क ने इंडिया के अंदर किसी लीडर को या उनकी फॉरेन पॉलिसी को टारगेट किया है तो सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता है। इनके पास पीने का पानी नहीं था, तो इनको पानी दिया यार। इनके पास मालदीव वालों के पास पानी नहीं था, ये पानी भारत का पिए इन लोगों ने, तभी ऐसे निकले। बहुत पाला है, लिटरली मैं कहूंगी कि पाला है। बॉलीवुड वो अक्षय कुमार एक एक्टर है, बड़ा मशहूर, उसकी बड़ी फिल्में है, बड़ा पॉपुलर एक्टर है, बड़ी उनकी फिल्में पसंद की जाती हैं। उसने भी कमेंट कर दिया, उन्होंने कहा हमने तो आपकी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, मतलब कई लोगों ने तो कहा हम इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री को तबाह कर सकते हैं। तार साहब एक मैं पॉइंट आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मैंने देखा है कनाडा के बाद ये मालदीव्स का इंसिडेंट सेकंड इंसिडेंट है कि जब किसी दूसरे मुल्क ने इंडिया के अंदर किसी लीडर को या उनकी फॉरेन पॉलिसी को टारगेट किया है तो सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता है। मीडिया पे देखें, सिविल सोसाइटी देखें, सोशल मीडिया पे देखें। मैं फॉर एग्जांपल बॉलीवुड, तार साहब बॉलीवुड वो अक्षय कुमार एक एक्टर है, बड़ा मशहूर, उसकी बड़ी फिल्में है, बड़ा पॉपुलर एक्टर है, बड़ी उनकी फिल्में पसंद की जाती हैं। उसने भी कमेंट कर दिया, उन्होंने कहा हमने तो आपकी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, मतलब कई लोगों ने तो कहा हम इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री को तबाह कर सकते हैं, क्योंकि तकरीबन 2 लाख इंडियन एवरी ईयर जाते हैं वहां पे टूरिज्म के लिए। ये सारे लोग कैसे इकट्ठे हो जाते हैं? कनाडा की मिसाल आपने देखी 2 महीने पहले, आपको आपने उस इंसिडेंट को बड़ा कवर किया, आज ये वाला इंसिडेंट है, तो सारा सो हाउ कम डू यू बिलीव दिस? ये क्या है? दिस इज नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म, ये क्या इंटरनल यूनिटी है, क्या चीज है? हाउ विल यू डिफाइन इट? चीमा साहब मैं समझता हूं कि इस फीस माना दो 21st सेंचुरी में दिस केस नीड टू बी स्टडीड इन द फ्यूचर। दिस विल बी बिगेस्ट एग्जाम्पल इन द फ्यूचर फॉर सर्वाइवल, फॉर ग्रोथ। The one man brought the entire country, huge country, under one umbrella. This will be a huge case study in the future. Huge case study. और ये तरक्की के लिए, तरक्की का रास्ता इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये originally China का model भी यही है कि conflicts में नहीं फंसना और सर नीचे करके अपना जो है वो तरक्की की तरफ जाना है। बिल्कुल यही है। देखिए इस वक्त भारत को अमेरिका ने बड़ी कोशिश की कि China के साथ ये सिंह फंसा ले अपने लद्दाख में। भारत ने नहीं फंसाया। इन्होंने हफ्ता पहले ट्राई की अमेरिकनों ने कि तुम्हारे शिप के ऊपर ईरान ने अटैक किया, तुम इसके गले पड़ जाओ। उन्होंने नहीं किया उसका। तो मैं कहता हूं कि ये अब दूसरा चीमा साहब चीजें ये अब प्राइड देखें, प्राइड है इस वक्त। आप देखें मैंने आपको बताया कि मैं रीडिंग मोर एंड मोर अबाउट द बुक ऑफ डॉक्टर जयशंकर मुख्तलिफ में उनके उसके बारे में जो रिमार्क्स है। अभी तक बुक तो मेरी नहीं आई, मैंने ऑर्डर की है। लेकिन चीमा साहब उस बुक के अंदर देखे किस खूबसूरती के साथ डॉक्टर जयशंकर हैज गिव द रेफरेंसेस फ्रॉम हिज रिलीजियस बुक्स। मैंने अगले दिन किसी से बात की तो उसने बड़ा ना आगे से एक तनकीदी तौर पर उसने कह दिया मोदी का भगत है, उन्हें खुश करने वास्ते लगा होना है। वो यार चलो फिर भी मोदी का भगत है, उसकी टीम का हिस्सा तो है ना यार। और डॉक्टर है, PhD है, सारी उम्र हो रहा है, मेरा मकसद है डिप्लोमेट रहा है, केड़ा पोर्टफोलियो केड़ी शायद नहीं। डॉक्टर जयशंकर के पोर्टफोलियो में देखा जाए तो DCM, एम्बेसडर, फॉरेन सेक्रेटरी, चाइना के अंदर इंडिया का एम्बेसडर है, पर क्या नहीं था उसके पास। लेकिन उसके अंदर भी ये प्राइड शामिल है, उसकी मजहबी और उसकी। और दूसरी एक और बात, आपने कभी देखा कि इंडिया दुनिया के अंदर सुप्रेस कितना रहा है? हिंदू मजहब का सुप्रेशन देखा आपने कभी?
किस तरीके से फॉरेन इन्वेडर्स ने आके जलीलो ख्वार किया, दुनिया की एक एडवांस तरीन सिविलाइजेशन इंडस सिविलाइजेशन को किस तरीके से इन्वेडर्स ने जलीलो ख्वार किया। अब उनको उनको होश आ गई, आनी चाहिए थी। बल्कि मैं तो खुश हूं, क्योंकि देखें देखा जाए तो मेरा, मैं खुद एक इंडियन हूं, मैं उसकी वजह देखा जाए पाकिस्तान तो 1947 में बना है। चीमा साहब आप भी बैठे, आप भी हिंदुओं की औलाद है, आप तुसी केड़ा को तो मदीने चो आए, तुसी केड़ा मेरा को तो पठाना चो आए, सारे असि हिंदुओं के बिचों निकले हैं, जरा सारे खिते च ने। और मैं खासकर जब बुक पढ़ता हूँ चनकिया के बारे में पढ़ता हूँ, देखें 150 AD में वो हाउ सिविलाइज दे वर, लेकिन किस तरीके से इस कल्चर को इन्वेडर्स ने तबाह किया, किस तरीके से पहले पठान तर्कश अफगानी जलीलो ख्वार उन्होंने किया, फिर ब्रिटिश उन्हें आके फिर उन्होंने जलीलो ख्वार किया। आज दिस इज टाइम फॉर देम टू शाइन एंड आई कांग्रेचुलेट देम, आई एम प्राउड ऑफ देम, मैटर आई शुड बी। और मैं चाहूंगा कि दुनिया से बदला लिया जाए कॉलोनियलिज्म का, ये बर्बरियत का, ये जो हमारे ऊपर आप चीमा साहब आपने सारी जबान अपना पूरा पाकिस्तान झोंक देते हैं आप उर्दू के पीछे, आपकी जबान उर्दू है नहीं, आपकी जबान उर्दू है, ये मुगलों की जबान थी उर्दू, आप उसको पीछे पढ़ते हैं उर्दू 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 करते हैं, उर्दू किसकी जबान थी, कॉम्बिनेशन ऑफ पर्शियन अरबिक एंड संस्कृत, हाउ डेयर यू, यू नीड टू लर्न योर ओन मदर लैंग्वेजेस। डेवलपमेंट हुई थी और जब आई थिंक जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट जो थे जब वो पहुंचे तो उन्होंने आके जो खिताब किया जो एयरपोर्ट पे थे आई थिंक समवेयर, तो उन्होंने ये कहा कि हम अपनी जो डिपेंडेंस है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर वो भारत से कम करेंगे, और उन्होंने भारत का नाम भी नहीं लिया, और उन्होंने कहा कि हम ये बुलिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे और अपनी डिपेंडेंस भी कम करेंगे। मैं समझता हूँ कि मालदीव्स की जो लीडरशिप है वो एक तरफ उन्होंने नरेंद्र मोदी की रिस्पेक्ट करते हुए या डरते हुए या वो जो एक भारत की तरफ से एक डिप्लोमेसी दिखाई गई जिसे हम कोर्स ऑफ डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं वो पीछे हटे, और उन्होंने जो उनके लोगों ने गलत किया उस पर बहुत सारे लोगों ने कहा अपोलोजाइज करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चाइना ने इनको बहुत सारी एश्योरेंसेस दिलाई हैं, ये बगैर चाइना की एश्योरेंसेस के जो 5 दिन के लिए इन्होंने वो रह के आए वहाँ पे, मैं समझता हूँ कि ये मालदीव्स की गवर्नमेंट बहुत बड़ी गलती करेगी। एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप जो होता है वही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि हम अपनी ड्रग्स इम्पोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है दैट्स फाइन, लेकिन अगर वो कम्प्लीटली ये कहते हैं कि जनाब हमें तो परवाह ही कोई नहीं है और हम जो अपनी मर्जी करेंगे, करें ज़रूर अपनी मर्जी, अब जो उन्होंने कहा है कि जी हम उनकी मिलिट्री के लोग यहाँ से निकल जाएं तो निकल जाएं, ठीक है आपका हक है, आप एक सॉवरन मुल्क हैं, लेकिन वो गलती करेंगे। शायद मालदीव्स ये समझता है कि वो मुश्किल वक्त गुजर गया है। सो रिमेंबर वन थिंग, मालदीव्स हैज़ बिकम अ सीरियस टॉपिक इन इंडिया।